बैल और एक घंटा, उर्दू में घंटा इंग्लिश में बैल, यानी कि दोनों घंटे देखे थे। बट रचिन रविंद्रा की आज अगर आपने ड्राइविंग देखी हो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कवर ड्राइव, हाउ ही प्लेज दैट स्ट्रेट ड्राइव, दैट बैक फुट पंचेस। अच्छा मैं कॉनवे का नाम कम लूंगा इसलिए कि कॉनवे इज अ वेरी वेरी मेच्योर प्लेयर, हम सब जानते हैं उसकी ताकत, देख चुके हैं, तीनों फॉर्मेट का न्यूजीलैंड का प्रीमियर ओपनर है, आपको याद है। तादाद मुझे कम लग रही है, तुम लोगों की लग रहा है, मैं पहले ही मजे दे गया था मैं तुम्हें। नहीं, अब मैं आपको दूसरी बात जरा बता देता हूँ, निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकालो इधर स्टेडियम भर दो हमारा इधर आके। मैं आपको एक चीज सबसे बड़ी बता दूं, देखें हम लोगों की विश अलग बात है, लेकिन कल रात को भी बोला था कि न्यूजीलैंड के बड़े प्लेयर्स हैं कॉनवे और मिचेल इस वर्ल्ड कप में, मिचेल की तो बारी नहीं आई। जिस दिन इससे बदबूदार बात कर रही थी ना कि नेदरलैंड से भी हार सकता है पाकिस्तान, उस दिन असल में मुझे लगा था बताओ, वो जो पाकिस्तानी बन के बैठे हैं या वो जो इंडिया में बैठ के पाकिस्तानी बने हुए, तुम लोगों ने इस बात पर नासिर हुसैन को क्यों ब्लास्ट नहीं किया कि यार इसको टैग करो, इसकी बजाओ, इसको बोलो रोहानी बाबू टीम का बताया था तुमने कि 37 ओवर की टीम है ये, अगर सीधी पिच दे दी तो। अबे मैं तो ज्यादा बोल गया था 40 ओवर, मुझे थोड़ी पता था, कह रहे थे 40-45 ओवर में, पहला 50 भी इंग्लैंड के, पाकिस्तान ने पहला 100 भी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड तो इसने बारात लूट ली, मतलब छोड़ा ही नहीं इसने, वो तमाम लोग जो बेहोशी के आलम में आ जाते थे बाबर की ड्राइव देखकर, उसने बताया कि बेटा जरा इधर देख लो हमारे पास क्या, अभी पूरे हथियार हिंदी कमेंट्री चल रही थी, तो मैं आपको ये बताऊं कि सब दीवाने हो गए, देखें दीवाने नाम का कोई नहीं हो सकता, और मैं आपस में क्या कह रहे थे एफी भाई को, मैंने कहा यार अब ये जो अपना वाला जडेजा है यानी रविंद्रा जडेजा, अब इसको भी देखना चाहिए, रोहित शर्मा को बोले भैया एक मैच में आप मुझे भी वन डाउन कर दो तो मैं भी बड़े 100 मार दूं, इसलिए कि यार आप ये चेक करेंगे दोनों। अच्छा मुनफरिद रिकॉर्ड सुन लें इस मैच में क्या बना है, रचिन रविंद्रा यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट सेंचुरी मेकर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, मेरे नजदीक प्रॉपर क्रिकेट यही है कि नासिर हुसैन वसीम अकरम ये सब 50 ओवर की क्रिकेट के पीछे पड़े हुए थे, इनका कोई एजेंडा था कि टेस्ट और T20 रहने दो, माल बनाने की क्रिकेट, तो गैरत तो कैप्सूल लेकर साइड पकड़ लेनी चाहिए कि 50 ओवर पे बात भी ना करो, तुम लोग इतने मेले लगते हो, इनकी रेंज पर बात अगर आप नहीं करेंगे तो सारी ज्यादती होगी, कोई और पकड़ के कॉपी पेस्ट करके चिपका देगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे मालूम है सीधी विकेट थी, हल्का सा बॉल एक दो जगह स्टक हुआ, और ओस की बातें बहुत बाद में आई हैं, ये तो 17 ओवर में खा गए यार। अच्छा इन्होंने अभी प्रैक्टिस मैच में बनाया वार्म अप गेम में बांग्लादेश पर 197 25.1 ओवर में, और इन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में डिफेंडिंग चैंपियन पे बनाए रविंद्रा, और किसने 270 रन की पार्टनरशिप ठोक दी, 25 ओवर में 187 भाईजान मार रहा है, 19 चौके एक मार रहा है, 11 चौके एक मार रहा है, 5 छक्के एक मार रहा है, 3 छक्के, अबे तो बारात लूटते हुए इन्होंने ये तमीज नहीं करी कि किसको छोड़ना है किसको लूटना है, इन्होंने सबको ही लूट लिया, यानी कि इंग्लैंड की जो मेन बॉलिंग है मेन ट्रम्प कार्ड थे उनके, उनके तो सारे कार्ड निकाल दिए, अब सिर्फ ट्रम्प ही रह गए उनके अंदर, जिस हिसाब से उन्होंने मारा पकड़ के न्यूजीलैंड से, एक तो मुझे तवक्को ये नहीं थी कि उल्टा हाथ ही रगड़ देगा उनका, सीधे हाथ का तो कुछ आया ही नहीं अभी तक, उल्टे हाथ पे ही लगे रहे दोनों, और वो नॉट आउट चले गए, ये भी आप देख लीजिए। अच्छा आप देखें कि हमने एक प्रेडिक्शन ये थी इस विकेट को देखते हुए कि इस विकेट पे जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ पेस होगा, सेंस होती है ना कि इस विकेट पे जितना तेज बॉल आएगा उतना सीधा हो जाएगा और उतना आसानी से लगेगा, अब कुछ बल्लेबाज होते हैं कि वो ऐसे ही आ जाते हैं T20 क्रिकेट से, तो उन्हें तेज बॉलर पे किसी शीशे जैसी विकेट पे भी प्रॉब्लम होती है, बट रचिन रविंद्रा कॉनवे को तो मैं देख चुका हूँ, वो ये दिखाया है कि न्यूजीलैंड ने 4 साल मेहनत की है, न्यूजीलैंड को 4 साल का बदला था, वो आज न्यूजीलैंड ने लेके दिखाया है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड आज खेला है इसके अंदर कोई शक नहीं था, इसके अंदर कोई जिसको कहते हैं ना शको गुमान नहीं थे कि न्यूजीलैंड ने पूरा का पूरा बदला लिया है, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था, वहीं से कहानी शुरू हुई, और क्या खूबसूरत किस तरीके से खेला डेविन कॉनवे, लेकिन कॉनवे से ज्यादा मैं तारीफ करूंगा डेब्यूटेंट जो लड़का वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू कर रहा था रविंद्रा, मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला, लोगों ने बड़े बातें की पाकिस्तान ने क्या किया है, एक बॉलर के हाथों मार खा ली, भाई बात कुछ ऐसी थी कि वो बॉलिंग तो करता था लेकिन वो बल्लेबाज भी, न्यूजीलैंड ने उसको वार्म मैचेस में चेक किया और जब चेक किया तो पता चल गया वो कितना क्लास का बल्लेबाज है, और आज उसने दिखाया विलियमसन नहीं था, केन विलियमसन नहीं था, उसके बावजूद रिकॉर्ड बनाया न्यूजीलैंड ने कि अभी तक का फास्टेस्ट 283 चेस किया है ओडीआई के अंदर, इससे बढ़कर क्या हो सकता है, न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत अपने नाम की है, वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को शर्मनाक हार उनके नाम ली है, न्यूजीलैंड ने प्रॉपर तरीके से इंग्लैंड को करके रख दिया, और कल तक जो लोग बातें कर रहे थे हम समेत इंग्लैंड बड़ी खतरनाक टीम है, अब ऐसा लग रहा है कि ये ऑन पेपर तो सबसे ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन ये ना हो जाए कि इस वर्ल्ड कप के अंदर बुरी तरह से एक्सपोज हो जाए। रिजवान भाई ये हुआ तो हुआ क्या है आज।